What's up guys, welcome back to another reaction video. आज हम बीबी के वाइंस की ओल्ड वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, मौन व्रत. तो ऐसा क्या हुआ कि मौन होना पड़ गया है? हाँ. और किसने रखा है व्रत? तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक. 1 2 3 लेट्स गो. सब नहीं रखा है क्या? ओ भाई, सबको ऐसा नहीं बोल रहा. अबे बोल भी ले कुछ, क्या इशारे कर रहा है? मैं चोंच मारूंगा. अबे क्या बोल रहा है वैंचू, एक घंटे से कंफ्यूज कर रहा है. लेट मी ट्राई. ओहो मेरी 5 रुपए में मार दो. इतना सस्ता वैंचू, 5 रुपए में मार दो. गांजा फूकना है, हॉट रस्सी लेते. ओहो ये ले बेटा, मौन बाबा का प्रसाद खा ले. आंटी ये बोल क्यों नहीं रहा? तूने इनको बताया नहीं ये आज बोलेगा नहीं? क्यों? कल मैं इसको मौनी बाबा के पास ले गई थी तो उन्होंने बोला अगर ये पूरा एक दिन मौन व्रत रखेगा तो इसके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे. ऐसा थोड़ी होता है. बात माननी पड़ेगी, ये बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है. कोई बात नहीं वांचू, तू मुझे लिख के दे दे. नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगी. कोई प्लीज प्लीज नहीं, बस एक दिन की तो बात है. आप इसके इशारे कैसे समझ रहे हो? मां हूँ इसकी, सब समझ जाती हूँ. हाँ हाँ, तीनों के लिए रूहअफ़ज़ा लेके आती हूँ. थैंक यू आंटी, मुझे सब समझ जाती हूँ. हम तेरे कैसे बात करेंगे? आज हम तेरे ट्रांसलेटर है, तुम दोनों को आज मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. सही पकड़ा ना वैंचू? कुछ तो है ऊपर वाले का दिया हुआ यार. तू मेरी बात समझ पा रहा है? हाँ मैं तेरी बात समझ पा रहा हूँ. मेरे दो अनमोल टट्टे. बस क्या, सुनो वैंचू, हम हैंड साइंस बना लेते ताकि सबसे इजीली बातचीत हो जाए. थम्स अप मतलब इंग्लिश, थम्स डाउन मतलब हिंदी. और अगर कुछ समझने में गलती हो जाए तो आंख मार दियो. आंख मारने से क्या मिलेगा? 5 मिलियन फॉलोअर्स. अंकल का फोन. हेलो. हाँ भुवन बेटा, यार ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है. तो मतलब तो? क्यों क्यों क्यों? वो गलती से रेड लाइट क्रॉस कर ली और मेरा लाइसेंस भी ना घर पे रह गया है. लाओ मेरी बात करो. हाँ रुक. हेलो नमस्ते अंकल. हाँ भाई बोल, क्या हुआ? पापा को छोड़ दो ना प्लीज वैंचू. ये आपका लड़का गाड़ियां देके बात कर रहा है. सुन भाई, फिर से गाड़ी देके बात की ना बहुत बुरा पिटेगा. सॉरी अंकल, पापा को जाने दो, बुजुर्ग हैं और थोड़ी दारू भी पी रखी है. दवाई क्या पी रखी है? अरे मैं दारू कहाँ पीता हूँ, झूठ बोल रहे. मेरा मतलब दवा दारू मेडिसिन बीमार है. भाई हमें अपना काम करने दो, घर पे बीवी ने व्रत रखा है, ये निपटा के फटाफट घर जाए. तो वो भी तो आंट देख के व्रत तोड़ेगी. क्या बोला? चांद ये चूतिया पापा को जेल करवाएगा. आंट देखेगी ना पहले. क्या बकवास कर रहा तू? एक तो लाल बत्ती टपा के तेरे बाप ने गलती करी, ऊपर से बदतमीजी मुझसे कर रहा तू. मेरे पापा बहुत अहले आदमी है, आप फक मत करो. क्या करो? फक शक. अरे ये मेरे को होमो समझ रहा है, स्कूटर जब्त करो भाई. अरे क्या हो गया? अरे स्कूटी कहाँ ले जा रहे हो? अननोन नंबर से कॉल आ रहा है मैं, उठाऊं? नमस्कार सर, मैं अल्टीमेट जैकपॉट से बोल रहा हूँ. आपने घर बैठे जीतो कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया था? हाँ किया था. मुबारक हो सर, आपने जीता है जैकपॉट प्राइस 50 लाख रुपए का और 3 दिन 4 रात का सिंगापुर ट्रिप. मैं वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम जान सकता हूँ सर? छोड़दास छतरी वाला. हेलो गया, काट दिया, सॉरी कूतिया. गए पैसे. सर दर्द ठीक हो जाएगा भाई? तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है. हे भगवान, जिंदगी आज फुल लेने के मूड में है. लगता है आज ब्रेकअप का दिन है. इन कुत्तों से अगर बात करवाई तो बंदी से भी हाथ धोना पड़ेगा. नहीं, इनको बात करने ही नहीं दूंगा. हेलो. हाय बेब्स. हाय बेबी, क्या कर रहे हो? नमाज. क्या? पढ़ाई कर रहा हूँ ऑब्वियसली. क्या तुम भी? मैंने सुबह पापा की फोटो भेजी थी तुम्हें, कैसे लग रहे थे? बैंड बहुत अच्छा लग रहा था. क्या अच्छा लग रहा था? बहुत ज्यादा. तुमने क्या सुना? एनीवे आई वाज आई लुकिंग इन द साड़ी. भाई साहब गजब. थूकने का मन कर रहा था. क्या? गला काटने का मन कर रहा था. सर दीवार में मारने का मन. आज की बात ना, शक्ल मत दिखा देना अपनी. अरे बड़ा बदतमीज लड़का है तू. मेरी स्कूटी जब्त कर ली उन्होंने, तेरे को काम संभालने के लिए फोन किया था मैंने और बिगाड़ दिया काम तूने. और ये होमो क्या होता है वो बात सुन के मेरे से चिपट गया. कहता है आपने कैसा राक्षस पैदा किया. अरे भाई मुझे इसके बात करने की आवाज आई. तूने बात की? वो स्कूटी की डिक्की में सब्जियां थी, स्कूटी भी सब, सब्जी भी सब.
साला खुद तो केचुआ लगता है, ऊपर से मेरे पापा को जब्त कर रहा है, होता कौन है तू साले? दवा के लिए गए अस्पताल, उसी दवा ने ले ली जान, होट फिले थे जिस वजह पे उसी वजह ने ले ली। हैवी ड्राइवर ये, ओ भाई साहब जहरी थी वाले वीडियो तो, गजब था। एक तो वो मम्मी क्या कहते हैं स्टार्टिंग में ही बढ़िया था कि इसकी सारी बातें मैं समझती हूँ, माँ ना वो कहता हम तीनों बात कैसे करें, वो कह रूम जलाती थी घुमा फिर आके, स्क्रिप्टिंग बहुत बढ़िया थी इस वाले वीडियो की भी। और एक वो पापा कैसे लग रहे थे, वेरी गुड कहता वो, अगर बैठ तो ले भैया वहीं पर ही, ब्रेकअप भी करवा दिया, लॉटरी भी चली गई 50 लाख रुपए की, वाले को थोड़ी दारू पी रखी है, हाँ फिर कहता दवा दारू, भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो वो हो गई, वो 50 लाख की लॉटरी गवा दी, हैवी ड्राइवर वाले काम, समीर भी उल्टे करवा दिए काम, और वो वेरिफिकेशन बढ़िया थी, वेरिफिकेशन का सत्यनाश, और क्या बोला कोट पैंट अच्छे लग रहे थे क्या, वो होमो के ऊपर चक्कर में कह रहा पीछे पड़ गए, मस्त वीडियो थी एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करी, क्योंकि ये शुरू शुरू में मेरे को लगता है कि भाई ने एंटरटेनमेंट वाइज शुरू करी थी वीडियोस, हाँ। और फिर कभी सोचा नहीं होगा कि इस लेवल पे पहुंच जाएगा, और आज तो यूट्यूब के स्टार है, ओटीटी में भी छाए हुए हैं, देखना ये बहुत पुराना वैसा, और मैं कल परसों कल ही देख रहा था मैं शायद से एक वीडियो, उसमें उन्होंने बताया कि वो आज भी पिक्सल 1 से शूट करते हैं वीडियोस, पिक्सल 1 से, क्या बात है। और बाकी आपको इसलिए वीडियो जरूर बताना, और वीडियो सेस करना ना भूलें, बाय बाय, टेक केयर।